हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अक्सर हर घरों में रात में खाने के बाद रोटियां बच जाती हैं और उस रोटी को सुबह हम बासी होने की वजह से खाते नहीं, बल्कि इसे या तो कूड़ेदान में फेंक देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बासी रोटियों से होने वाले फायदे बताऊंगी, जिसे सुन आप बासी रोटियां कभी नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, यूं तो कहा जाता है कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बासी रोटियों से भी हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसे खाने का तरीका और खाने की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए, अगर आप इसको सही टाइम पे और सही तरीके से खाते हैं तो बासी रोटी आपके लिए एक औषधि का काम करेगी। दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो रोजाना सुबह खाली पेट दूध के साथ बासी रोटी का सेवन करने से आपको एसिडिटी से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप रोजाना दूध और बासी रोटी का सेवन करते हैं तो पेट से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बासी रोटी डायबिटीज यानी शुगर से ग्रसित लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपको डायबिटीज है तो रोजाना फीके दूध के साथ बासी रोटी खाने से आपको डायबिटीज में भी बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ठंडे दूध के साथ बासी रोटी रोजाना सुबह खाने से आपको बीपी से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही अगर आपके पेट में जलन हो रही हो तो ठंडे दूध के साथ बासी रोटी रोजाना सुबह खाने से आपको पेट के जलन से भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बासी रोटी से। अब उम्मीद करती हूँ कि आप बासी रोटी को कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे या जानवरों को नहीं खिलाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, फिट रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू।